अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उबैद और फाइनली पाकिस्तान के मार्केट में काफ़ी देर बाद कोई स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। ये फ़ोन इन्फिनिक्स की तरफ से आता है और इस फ़ोन में आपको 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज मिल जाती है। फ़ोन की प्राइस को महज 28,000 रखा गया है, जो कि काफ़ी अग्रेसिव है करंट पाकिस्तान मार्केट को देखते हुए। तो चलें अब इस फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं और अपना हैंडफोन एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस फ़ोन के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके जी, ये है हमारे पास इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 का बॉक्स जिस पर बड़ी ब्रांडिंग दी गई है और नीचे रैम और स्टोरेज वेरिएंट को मेंशन किया गया है, जबकि बॉक्स के बैक की तरफ कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को मेंशन किया गया है जिसमें 6.6 इंच का HD+ डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सल का AI डुअल कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक का फीचर्स भी मेंशन किया गया है। तो चलिए अब जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और डिवाइस का फर्स्ट लुक लेते हैं। बॉक्स को अनबॉक्स करते ही हमें सबसे ऊपर हमारी डिवाइस मिलती है जिसे अभी साइड पे करते हैं और नीचे हमें 10 वाट की चार्जिंग ब्रिक दी गई है जिसके साथ है एक माइक्रो USB चार्जिंग केबल और काफ़ी सॉलिड हार्ड बैक कवर भी दिया गया है फ़ोन के लिए। फ़ोन हमारे पास ग्रीन कलर में मौजूद है। फर्स्ट लुक में इस फ़ोन को डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आया है और रिसेंटली अब जो इन्फिनिक्स से फ़ोन आ रहे हैं उसमें इसी तरह के डिज़ाइन को फोकस किया जा रहा है, स्पेशली इन्फिनिक्स 020 सीरीज़ के बाद, और यहाँ भी इसी ट्रेंड को फॉलो किया गया है। यहाँ पे आपको 3D टेक्सचर डिज़ाइन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी यूनिक और गुड लुकिंग लग रहा है। तो चलें अब जल्दी से इस फ़ोन को सेटअप करके फ़ोन का फिजिकल ओवरव्यू लेते हैं। ओके जी, फ़ोन अब ऑन हो चुका है। फ़ोन के फ्रंट पे आपको 6.6 इंच का HD+ का डिस्प्ले मिलता है। फ़ोन के नीचे की तरफ हमें स्पीकर्स, चार्जिंग पोर्ट, माइक और हेडफोन जैक दिया गया है, जबकि राइट साइड पर पावर मेन्यू और वॉल्यूम लॉकर्स मौजूद हैं, जबकि फ़ोन के लेफ्ट साइड पर फुल फ्लैश सिम ट्रे है जिसमें डुअल सिम के साथ SD कार्ड की सहूलत भी मिल जाती है, जबकि फ़ोन के बैक की तरफ आपको डुअल AI कैमरास विद LED फ्लैश और साथ है हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर। तो चले फ़ोन के फीचर्स के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिस्प्ले से, जो कि आपको 6.6 इंच का HD+ या फिर 720p स्क्रीन दी गई है और आपको इस तरह के बजट में आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूं तो ब्राइटनेस ओवरऑल काफ़ी ठीक ठाक रही, आप डायरेक्ट सनलाइट में फ़ोन को इजीली यूज़ कर पाएंगे और कोई भी इशू नहीं होगा। इसके अलावा डिस्प्ले के टॉप ड्यू नॉच में आपको 5 MP फ्रंट सेल्फी शूटर दिया गया है, जबकि बैक के ऊपर डुअल कैमरा विद LED फ्लैश मिलते हैं। वीडियो में आप 1080p तक रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट और बैक कैमरा से और फिल्टर्स भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। फिंगरप्रिंट की बात करूँ तो वो भी ठीक ठाक वर्क करता है। इसके अलावा फ़ोन के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आपको यहाँ पे मीडियाटेक का हेलो 822 दिया गया है, जो कि एक अंडर पावर चिपसेट है। और ये मैं बताता चलूँ कि अगर आप एक गेमिंग के लिए फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो ये फ़ोन हरगिज़ आपके लिए नहीं है। बाकी ओवरऑल डे टू डे यूजेज की बात करें तो फ़ोन अच्छा और ठीक ठाक काम करता रहा मेरे यूजेज में। और बैटरी में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि एक दिन से ज़्यादा का बैकअप तो दे ही जाएगी। तो दोस्तों, ये था इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 का अनबॉक्सिंग और मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस। ओवरऑल एक बैलेंस फ़ोन है इन्फिनिक्स की तरफ से। तो दोस्तों, ये थी हमारी इन्फिनिक्स 7 स्मार्ट की अनबॉक्सिंग और हैंड्स ऑन व्यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।